हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो ग्रीन विद काव्या में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी फर्न्स के बारे में। प्लांट्स जिन्हें हम बॉस्टन फर्न, फॉक्सटेल फर्न या फिर एस्पेरेगस फर्न के नाम से जानते हैं, ये सभी प्लांट्स फर्न की फैमिली को बिलोंग करते हैं। इन सभी प्लांट्स का आकार लगभग एक ही तरीके का होता है। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो फवारे की तरह अंदर से बाहर की ओर गिरती हैं। क्योंकि पत्तियों का पैटर्न और डिज़ाइन अलग अलग है, इसी वजह से इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। ये पौधा एक पेरिनल प्लांट है, हार्डी प्लांट होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो लश ग्रीन कलर की होती हैं और ये जो पत्तियाँ हैं वो पूरे साल हर मौसम आपके घर की रौनक को बनाए रखती हैं। फर्न्स के बारे में आगे और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस बनाकर आप तक लाने का। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास ये एक बॉस्टन फर्न है हैंगिंग पॉट में लगा हुआ, दूसरा ये फॉक्सटेल फर्न है जो कि नॉर्मल पॉट में लगाया हुआ है, क्योंकि इसकी जो लीव्स है वो ग्राउंड को टच नहीं करती हैं। इसके अलावा मेरे पास ये दो एस्पेरेगस फर्न भी हैं जो हैंगिंग पॉट में लगे हुए हैं। ये सारे प्लांट्स लगभग मेरे पास एक साल से हैं। जब मैं इनको लाई थी तब ये काफ़ी छोटे थे, अब इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। और ये वाला जो फॉक्सटेल फर्न है, ये प्लांट ख़राब हो रहा है तो आज हम इसको ठीक करेंगे, प्रोपगेट करेंगे। आपको दिखाऊंगी पूरा प्रोसेस, साथ ही इस प्लांट के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे हम। ये जो प्लांट है वो प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ था मैंने, और काफ़ी टाइम धूप में रखने के कारण जो पॉट है वो टूट गया था कुछ दिन पहले। इस प्लांट को मैंने ऐसे ही किसी खाली गमले में रख दिया था ताकि जब मैं इसको पानी दूँ तो प्लांट, मतलब जो मिट्टी है वो ना झड़ के निकल जाए। तो इस प्लांट को हम ऐसे ही, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते हैं, ऐसे करने से जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस प्लांट को हम निकाल लेते हैं इस गमले से। थोड़ा सा फंस गया है, ये देखिए निकल गया है प्लांट। और अब ये देखिए इस प्लांट में जो रूट्स है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक ही गमले में ये पड़ा हुआ था और रूट बाउंड भी हो रखा है। इसमें जो मिट्टी है वो बहुत कम बची हुई है, तो जब मिट्टी इसमें है ही नहीं तो फिर प्लांट ग्रो कैसे करेगा और किस में करेगा। तो इस प्लांट को हम प्रोपगेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दो हिस्सों में या दो से ज़्यादा, जितना भी पॉसिबल हो। अब प्रोपगेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक ही पॉट में प्लांट लंबे टाइम तक तभी रह सकता है जब तक उसे पूरा न्यूट्रिशन मिले, और न्यूट्रिशन मिलता है सॉइल से। जैसे इस प्लांट को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सॉइल है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, जो बचा है वो है सिर्फ रूट्स। तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक सी गई है, और ये जो डेड लीव्स होती हैं ये आपको दिखाई देने लगेंगी। प्लांट की जो रंगत है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। आप बहुत इजीली ये सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्लांट का जो निचला हिस्सा है, इसके रूट्स हैं, उनको काट लेती हूँ। मैं ये नाइफ़ की मदद से कर रही हूँ, आपके पास अगर खुरपी है तो आप उससे भी काट सकते हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहिए जब आप नाइफ़ या खुरपी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फर्न्स जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों के पौधे होते हैं, उन इलाकों में जहाँ मिट्टी में, हवा में नमी होती है। तो अगर आप ऐसे इलाकों में हैं जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है या टेम्परेचर 40 या 45 के पार जाता है, वहाँ आपको इन पौधों को बचाना पड़ सकता है। ड्राई एयर इन पौधों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, और ऐसा होता है तो पत्तियाँ जो सूख जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं, पौधा भी ख़राब हो जाता है कहीं हद तक। तो उन पौधों को आपको पहले सेमी शेड वाली जगह पर रखना है। जहाँ तेज़ धूप है वहाँ तो बिल्कुल नहीं रखना है, जहाँ ब्राइट लाइट आती हो वहाँ पे आप इन्हें रख सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे से बल्ब निकले हैं रूट्स में से, इन्हें ट्यूबर्स भी कहते हैं। ये प्लांट इसमें वाटर को स्टोर करके रखता है। इस प्लांट को मल्टीप्लाई या प्रोपगेट कब करें? मानसून के टाइम पे मल्टीप्लाई करना या प्लांट को रिपॉट करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम जो टेम्परेचर और क्लाइमेट होता है इस प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है। लेकिन अगर रूट बाउंड जैसे सिचुएशन लगे, या जैसा इस प्लांट के साथ हुआ, अगर आपके प्लांट के साथ भी हो रहा है,
तो आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रोपेगेट करना है तो आप रूट डिवीजन जैसे इजी मेथड से अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लीजिए, मैंने इस प्लांट को दो हिस्सों में बांट लिया है। तीन हिस्सों का सोचा था बट हो नहीं पाया, क्योंकि अगर इस प्लांट के तीन हिस्से होते तो प्लांट काफ़ी खाली खाली सा लगता, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो गमले हैं वो बुशी दिखे, प्लांट हैं वो बुशी दिखे। तो दो हिस्सों में ही मैंने इसको डिवाइड किया है। अब जो है इसकी जो डेड ब्रांचेज हैं, जो डेड लीव्स हैं, वो मैं निकाल लेती हूँ, और जो रूट्स हैं नीचे से, जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं, उन्हें भी मैं काट लूँगी, क्योंकि जब ये प्लांट नई मिट्टी में जाएगा तो नए रूट्स निकालेगा और इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। तो जो एक्स्ट्रा रूट्स मुझे लगता है वो मैं नीचे से कट कर लेती हूँ। तो चलिए अब हम मिट्टी देख लेते हैं जिसमें हम ये प्लांट लगाएंगे। हर प्लांट की तरह मैंने इस प्लांट के लिए भी वेल ड्रेन्ड सॉइल ली है। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये पुराने गमलों में से जो मिट्टी बच गई थी वो है। इसमें काफ़ी हद तक मिट्टी और रेत बराबर मात्रा में मिली हुई है। इसमें हम जो ऐड करेंगे वो जो न्यूट्रिशन है, जो प्लांट का जो नेचर होता है, उस हिसाब से हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। करीब 60% ये मिट्टी है। इसमें मैं 30% के करीब कॉम्पोस्ट मिलाऊंगी, और जो 10% है वो कोकोपीट मिलाऊंगी। कोकोपीट इस वजह से ताकि ये गर्मियों के मौसम में बहुत जल्दी जल्दी ड्राई ना हो, तो कोकोपीट से इस प्लांट को थोड़ी सी नमी भी मिलेगी। 30% के करीब मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर काउडंग कॉम्पोस्ट है या फिर लीफ मोल्ड है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें 10% के करीब कोकोपीट ऐड करूँगी। कोकोपीट प्लांट को मॉइस्चर देगा, स्पेशली इन समर्स। उसमें जो समर्स में प्लांट बार बार ड्राई हो जाते हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा मैं इसमें जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि नीम खली है, वो दो मुट्ठी ऐड करूँगी ताकि प्लांट को फंगस या कोई भी डिजीज़ ना लगे। साथ ही एक मुट्ठी बोन मील पाउडर ऐड करूँगी और 2 चम्मच ट्राइकोडर्मा पाउडर, यानी कि जो अल्टरनेटिव है फंजीसाइड पाउडर का, वो ऐड करूँगी। आप इस पूरे सॉइल मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। पौधा किस गमले में लगाना है इसका चुनाव आप बड़े ध्यान से कीजिए। जितना भी बड़ा आपका प्लांट हो, कोई भी प्लांट, उससे करीब 2 या 3 इंच बड़ा गमला ही आप लीजिए। फोन के लिए आप ज़्यादा गहरा या शैलो नीचे से जो पॉट होता है वो ना लें, क्योंकि इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो साइड्स में ज़्यादा फैलती हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो एटलीस्ट अपर स्पेस है वो थोड़ा सा वाइडर होना चाहिए ताकि रूट्स ऊपर की तरफ फैल सकें। इस पॉट की जो ड्रेनेज होल्स हैं वो मैंने बना ली थी, अब मैं इसको टीकरी से कवर कर दूँगी ताकि जो मिट्टी है वो पानी के साथ नीचे बह के ना निकल जाए। अब मैं ये कोकोनट फाइबर का छोटा सा हिस्सा है वो टीकरी वाले हिस्से के ऊपर रख दूँगी ताकि मिट्टी को नीचे से भी थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता रहे। ये समर से बहुत हेल्पफुल रहता है। आपके पास अगर मॉस ग्रास है आप वो भी रख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, बट वो कई बार हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। तो जो कोकोनट फाइबर है वो आपको घर पर बहुत आसानी से मिल सकता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्न्स की जो सॉइल है, जब हम पहली बार बनाएं तो उनमें आप फर्टिलाइज़र अच्छे से डाल दें ताकि बार बार आपको इस प्लांट को फर्टिलाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इस प्लांट को इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती नहीं है। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो आप दे सकते हैं। साल में 2 बार फर्टिलाइज़ करना इस प्लांट को काफ़ी होता है। तो चलिए, हमने अपने प्लांट को गमले के बीचों बीच सेट कर दिया है। अब हम साइड से जो है गमले को मिट्टी से भर देंगे। अच्छे तरीके से दबाते रहिए साथ साथ में, ताकि पानी देते वक्त जो स्पेस बन जाता है वो ना रहे। विंटर में, मॉनसून में ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है इस प्लांट को, लेकिन समर्स में आपको थोड़ा सा वाटरिंग का ध्यान देना है, हीट वेव का ध्यान देना है, सनलाइट का मैं आपको बता चुकी हूँ। वाटरिंग इजी रहे उसके लिए आप समर्स में इस प्लांट पर मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग मतलब आप इस प्लांट की जो ऊपर की जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, उस पर आप सूखे पत्ते रख सकते हैं या फिर मॉस ग्रास रख सकते हैं, ताकि जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी जल्दी सूखे ना, जो वाटर है वो
बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है समर्स में, तो आपको बार बार पानी डालना पड़ता है। तो ये काम आपको ना करना पड़े तो आप मल्चिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप पत्थर रख सकते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, आप उनसे प्लांट को डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर की लेयर पे आप इसको रख दीजिए, तो ये बहुत आसान हो जाता है समर्स के टाइम पे इस तरीके से केयर करना। तो चलिए, दूसरा गमला भी अब तैयार हो चुका है, मिट्टी भर दी हमने साइड साइड से, दबा लीजिए अच्छे तरीके से। और दोनों गमलों में हम अच्छे तरीके से पानी दे देंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।